तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा संपन्न हो चुका है और विदेश मंत्रालय ने उनकी इस 3 दिन की यात्रा को काफी सफल बताया है और अपने सारे आधिकारिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक ढंग से संपन्न करने के बाद पीएम मोदी अब आज सुबह न्यूयॉर्क से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा संपन्न हो चुका है। सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं और बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण ये दौरा रहा, क्योंकि क्वाड समिट से लेकर कई द्विपक्षीय वार्ता से लेकर जिसमें प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ, ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी एल्बनीसी के साथ और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की और साथ ही साथ ये यात्रा अपने कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 21 से 23 सितंबर तक प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा बेहद ही व्यस्त कार्यक्रम था। इस दौरान उन्होंने दुनिया को शांति का संदेश दिया। न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने दोनों देशों के आपसी हितों को लेकर चर्चा की और 1 महीने के अंदर दोनों नेताओं की ये दूसरी मुलाकात रही है। यूक्रेन के साथ वार्ता के दौरान भारत द्वारा किए जा रहे शांति के प्रयासों को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी सराहा है। Have been earlier as well questions about these specifics. There are obviously discussions going on in multiple forums around the world. You have various processes that are underway, various formats that we have seen, and we've been involved in some of those, where the idea has been to try and see if there is something around which a consensus can develop. As a result of the Prime Minister's visit to Kyiv, you are following the developments since then, where the Prime Minister subsequently has been in touch with President Putin in Russia, with President Biden here in the US. Our National Security Advisor visited Russia also recently. So there are a number of conversations that are going on. The attempt in all of these is to try and move towards some specifics. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम से भी मुलाकात की। न्यूयॉर्क में हुई दोनों नेताओं की इस बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत वियतनाम मैत्री के पूर्ण आयामों पर चर्चा की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी, व्यापार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में साझेदारी में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच से कहा कि भारत ने 250 मिलियन लोगों को गरीबी से निकाल कर दिखा दिया है कि सतत विकास सफल हो सकता है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने वैश्विक समृद्धि का भारत का विजन रखा और कहा कि सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने मानव केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वप्रथम बताया। पीएम ने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एक सेतु होनी चाहिए, अवरोध नहीं। पीएम ने यह भी जोर देकर कहा कि भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। पीएम ने वैश्विक शांति और विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में सुधार पर भी बल दिया। ये भी कहा कि मानवता की सफलता हमारी सामूहिक शक्ति में निहित है, युद्ध के दौरान या मैदान में नहीं। सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन अवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटल फील्ड। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए। एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरिटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं।
इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। और वहीं विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अमेरिका यात्रा को बेहद सफल बताया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा तकनीक, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिहाज से काफी अहम रही है। विदेश सचिव ने साथ ही ये जानकारी दी कि आज के युग में तकनीक ही विकास की मुख्य ड्राइव फोर्स है। Extent of involvement that all of these companies already have in India, the degree to which they are enthused by the prospects in India, the policy environment in India, and their plans to continue to grow India, grow in India and grow with India, for themselves and for the rest of the world. And I think that's what's what was really a feature of the remarks of practically every one of the CEOs, of how excited they are for their own businesses in India, especially at this moment in time when things like AI and quantum computing are changing the world as we know it. संयुक्त राष्ट्र में संघर्षों, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य की वैश्विक चुनौतियों से लेकर ग्लोबल गवर्नेंस तक पर चर्चा हुई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को भारतीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव कल्याण की पहल को साझा करने को लेकर उन्होंने उत्सुकता भी दिखाई। UN membership through the Pact of the Future that was adopted this morning has agreed on a pathway to transform global governance, and it is expected that this will provide some momentum to the processes that are already underway in many of these areas within the UN system. Prime Minister, therefore, highlighted in his remarks, which you would have seen, that in order to stay relevant, the multilateral system has to reform. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उनका जो अमेरिका का ये दौरा है वो खत्म हो चुका है और स्वदेश वापसी के लिए वो वहां से रवाना हो चुके हैं। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में न्यूयॉर्क से हमारे संवाददाता निखिल सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को कवर वहां से जिन्होंने किया है। निखिल, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने जब समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया तो इस दौरान कई बातों का जिक्र उन्होंने किया, आतंकवाद का जिक्र वो करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि 250 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है भारत ने। जी निश्चित तौर पर, दरअसल देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जो खरी खरी बात कही और बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि ह्यूमैनिटी जो है, जब हम ग्लोबल गुड की बात करते हैं तो वो जो अप्रोच है वो मानवतावादी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये था कि किसी तरह से कॉमर्शलाइज या केवल अपने हितों को देखने से काम नहीं बने। फिर दूसरी बात, जैसा आपने जिक्र किया कि 250 मिलियन यानी 25 करोड़ लोगों को भारत गरीबी रेखा से बाहर निकाल चुका है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल, ये प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा। यानी जिन लोगों को लगता था कि सतत विकास के जो लक्ष्य हैं वो दूरगामी हैं और शायद उन तक पहुंच पाना मुश्किल होगा, वो ऐसा नहीं। तो एक साफ तौर पर बात उन्होंने ये भी कही, उन्होंने जिस तरह से आपने कहा कि आतंकवाद समेत तमाम जो तकनीक के साथ में दिक्कतें आ रही हैं, तकनीक के जरिए जो दिक्कतें की जा रही हैं, चाहे वो एआई का दुरुपयोग हो या किसी चीज़ हो, उसका भी जिक्र उन्होंने किया ही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब हम बात करते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसमें भी जो गुड प्रैक्टिसेस रही हैं इसको भी हम दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं। हाँ, किस तरह से 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, उन गुड प्रैक्टिसेस को, उन नीतियों को दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। तो आप ये भी समझिए कि भारत न सिर्फ सुझाव दे रहा था कि किस तरह से एक बेहतर भविष्य बनाया जाए, बल्कि दुनिया को कुछ देने के लिए भी तैयार था कि आप हमारे डिजिटल जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम आपके साथ शेयर करने के साथ दुनिया से शेयर करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से हमने 25 करोड़ गरीबी का कितना बड़ा अभिशाप हो सकता है और पूरी दुनिया में किस तरह से इसके एक बदलते हुए बड़े मायने, तो भारत ये बता रहा है कि 25 करोड़ लोगों को हमने, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को
गरीबी रेखा से बाहर निकाला है उस पर भी हमने क्या पॉलिसीज अपनाई है, इसको हम आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं, दुनिया के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। तो जब कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, हर तरह मत से, वचन से, कर्म से दुनिया के लिए कुछ देने के लिए, कुछ करने के लिए हम तत्पर हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का संदेश ये भी निहित था आज के जो 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 संभाषण रहा कल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी निखिल, देखा जाए तो प्रधानमंत्री की अमेरिका जो दौरा रहा, यात्रा रही, कई मायनों में महत्वपूर्ण रही। अगर पांच बड़े टेकअवेज की बात करें, पांच मुख्य बातों की बात करें, फिर चाहे वो कोर्ट से लेकर द्विपक्षीय वार्ता हो या फिर भारत नीति की बात नहीं, विश्व नीति, वैश्विक समृद्धि की बात हो, तो कौन से ऐसी पांच बड़ी बातें भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से जुड़ी हुई रही? अगर इस पे रेटिंग देनी होगी तो शायद उसको आप या दर्शक डिसाइड करेंगे, लेकिन बड़ी बातों की अगर बात करें तो उसमें जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से ये इस यात्रा की शुरुआत हुई, आप उससे देखिए भारत और अमेरिका के बीच में जब दोनों देशों के प्रमुखों के बीच में जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो द्विपक्षीय वार्ता हुई बेहद महत्वपूर्ण थी। रणनीतिक साझेदारी जो भारत और उसके बीच में है, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, 50 से ज्यादा डायलॉग के मैकेनिज्म के जो चैनल्स हैं, अलग जो सिस्टम पूरा बना हुआ है वो इंडिया और अमेरिका के बीच में है, और इस तरह से ये भी रहा कि दिस फ्रेंडशिप विल थ्राइव फर्दर और किस तरह से इसको और मजबूत किया जाए, किस तरह से इसमें और आगे बढ़ा जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत क्वाड के दूसरे नेताओं का अपने गृह नगर में स्वागत किया राष्ट्रपति जो बाइडेन का, ये एक बड़ा टेक अवे रहा। भारत और अमेरिका के बीच में जो संवाद हुआ दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बीच में वो एक बड़ा अच्छा रहा। उसके अलावा जो क्वाड की बैठक रही वो बहुत सार्थक, बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छी, और जिस तरह से मैरीटाइम सिक्योरिटी से लेकर के तमाम चीजों पर ठोस पहल की गई है वो एक बड़ी पहल कही जा सकती है। और प्रधानमंत्री ने उसमें एक संदेश और भी दिया दुनिया को, खासतौर पर ऐसे लोग जिनको लगता है कि क्वाड एक मिलिट्री एक्सरसाइज, एक मिलिट्री ग्रुपिंग है और ये दुनिया के लिए तुम देश किसी को थ्रेट महसूस हो सकता है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि विकास का जोड़ है और इसको किसी से किसी को थ्रेट नहीं देना चाहिए। तो क्वाड नंबर एक अमेरिका के साथ शानदार मीटिंग, द्विपक्षीय मीटिंग, दूसरी क्वाड पंछियों को जिस तरह से उन्होंने उनके दिल को छुआ, आप समझिए कि वो प्रधानमंत्री भी स्वयं कहते रहे हैं ये जो है एक जीवन सेतु है, दोनों देशों के जो लोग हैं, जो भारतीय हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको एक डिविजन, उनके साथ में एक जो उनका संबोधन था वो भी शानदार था। उसके अलावा जो टेक सीईओज की मीटिंग वो बहुत अच्छी रही और उसमें बहुत सारे अगर उस सीईओज की मीटिंग की बात की जाए तो उसमें से भी ठीक है तमाम की बातें रही, तो ये सारे टेकअवेज भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण। तो भारत और अमेरिका के बीच नया अध्याय कहीं ना कहीं लिखा जा रहा है और ये देखने को मिला जब भारत अमेरिका के बीच रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वैश्विक पटल से दिखा दिया कि भारत की ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को शांति का भी संदेश दिया। निखिल, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका दौरे से जुड़ी खबरें। और खबरों का सिलसिला नया सवरा में यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक है, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ।